पहला दिवस की बता रही। आनंद आपे एनु नाम अरिहंत पद समझ। अरिहंत पद सो ज्या आनंद ज्या भरपूर आनंद ने प्राप्ति था, प्रसन्नता ने प्राप्ति था, खुशी ने प्राप्ति था, भीतर ने अंदर ए प्रसन्नता नो धोध वहे एनु नाम अरिहंत। नव पद नव निधान जेवा छे बराबर समझो। एक एक पद एक एक गुणों ना अपना जेम जेम एक एक पद ने अंदर आकर बतता जाइए ने एम एम एक एक गुणों नो प्रादुर्भाव अपना जीवन ने अंदर थाय। अने हूं तमने कहूं के बराबर समझो, तुम्हारे जो साची अरिहंत पद नी आराधना करवी होय ने तो नक्की करो के आ अरिहंत पद नी आराधना नो आज नो दिवस छे ने 24 कलाक मारे आनंद मां रहेवू छे ए साची अरिहंत पद नी आराधना। આપણે ભૂલીએ છીએ ઉપહ સર્ગાક સંયમ્યાંતિ, પછી શું બોલીએ બોલો ને, શું બોલીએ છિદ્યંતે વિઘ્ન વલ્લય, અને ત્રીજું પદ શું બોલીએ, શું બોલીએ મનઃ પ્રસન્ન। કેટલી અદ્ભુત વાત કે મનની પ્રસન્નતા જો મળે નહીં ને તો એ અરિહંત પદની આપણી ભક્તિ ન થાય। આનંદ આપે એનું નામ અરિહંત બરાબર સમજો, ને અરિહંત પદની સાચી સાધના એ તમે સાથિયા કરી લો, તમે કૌશલ કરી લો, તમે પરમાત્માની ભક્તિ કરી લો, ખમાસરણ આપી દો, જે કરવું એ કરી લો, પણ અરિહંત પદની સાચી આરાધના કરવી હોય ને તો સંકલ્પ એ કરો કે 24 કલાક મારે આનંદ મારે પ્રસન્નતા આપે એનું નામ પરમાત્મા, આનંદ આપે એનું નામ અરિહંત। અને અરિહંત પદની આટલા વર્ષોથી આરાધના સાધના કરતા હોઈએ, અરિહંત પરમાત્માની ભક્તિ કરતા હોઈએ, અને છતાં પણ એ ભીતરમાં પ્રસન્નતાનો ધોધ ન વહેતો હોય ને તો સમજવાનો કે ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે ચૂક્યા છે। જ્યાં આનંદ મિલ જાય વહી અરિહંત। ઇતને સાલો સે અરિહંત પદ કી આરાધના કરતે કરતે ભી ભીતર મેં આનંદ ક્યું વહેતા રહે, क्यों भीतर से आनंद जागृत नहीं। और मैं कई बार कहता हूं समझ लीजिए, भीतर में प्रेम होगा तो मुख पर प्रसन्नता दिखाई पड़ेगी, जब तक यहां प्रेम नहीं है तब तक मुख पर प्रसन्नता दिखाई नहीं पड़ेगी। आपने सुना होगा कई बार कहा जाता है कि एक मिनट के लिए प्रसन्न होकर यदि हम फोटो खिंचवाते हैं तो फोटो कैसी आती है, अच्छी आती है कि नहीं आती, बोलो तो सही आती है। एक मिनट के लिए प्रसन्न होकर यदि हम फोटो खिंचवाते हैं तो फोटो भी अच्छी आती है। शास्त्रकार परमर्षि कहते हैं, परमात्मा महावीर कहते हैं, अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि जीवन भर यदि प्रसन्नता तेरे मुख पर बहती रहे तो जीवन कितना अच्छा बन जाए। धर्म की फलश्रुति प्रसन्नता है बराबर समझ। आप इतने सालों से धर्म की आराधना करते हो, साधना करते हो, परमात्मा की भक्ति करते हो, लेकिन भीतर से प्रसन्नता नहीं है, आनंद आपके जीवन में नहीं है, तब तक अरिहंत पद की आराधना आपने नहीं करी है बराबर समझ ला। जिस दिन आपके भीतर 24 घंटे आनंद बहने लगे, 24 घंटे आपके आनंद में निकलने लगे, तब समझना अरिहंत पद की सही साधना कर। एक समण एक अवसर ये प्रदक्षिणा हम हर बार कर लेते, हम बड़ी बाहरी अवस्था में हमारा जीवन बिताते, हमने वो पद के मर्म तक जाने की कोशिश नहीं की, कभी पुरुषार्थ नहीं किया, कभी देखा नहीं कि भीतर में क्या छिपा हुआ। ये नव पद को नव निधि क्यों कहा गया, नव पद को नव निधान क्यों कहा गया, क्योंकि एक एक पद के भीतर अद्भुत ताकत छिपी हुई है। हम बड़े बाहर से वो पद को निहारते हैं, उसको देखते हैं, बस हम ये सोच लेते हैं अरिहंत पद का दिन है, अरिहंत परमात्मा की भक्ति कर लेंगे, हमारी अरिहंत पद की आराधना हो जाएगी। लेकिन शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि नहीं, अरिहंत पद का दिन है तो तू तय कर ले कि 24 घंटे आनंद में रहना है, क्रोध कसाय ईर्ष्या असूया माया मत्सर कपट लोभ सबसे दूर जब हो जाएंगे तभी आनंद। आनंद आपे एनु नाम।
प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की यूट्यूब चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।